उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आज सुबह सुबह पेपर सबके घरों में पहुंचा है और हम लोग शर्मशार हो गए हैं और हमारे समाजवादी के युवा नेता सब आज आपके बीच बैठे हैं, हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि प्लान करके दो दो महीने बंद करके मुकदमे लगाए जाते हैं और फर्जी रेप केस में होनहार लोगों को जेल भेज दिया जाता है। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से कि ये कौन सा न्याय है जहाँ पर बच्चियाँ गायब कर दी जा रही हैं, जहाँ पर बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, जहाँ पर बच्चियों का शोषण हो रहा है, किस मठ को ले जाने का काम किया जा रहा था देवरिया में। तुम्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए और इस प्रकरण की किसी भी जांच होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में जगह जगह के थानों में आप जैसे मीडिया के लोग जाकर के पता कर लें कि कितने महीनों से महिलाएं घूम रही हैं, पुरुष घूम रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं और ये किस तरह का षड्यंत्र है, ये किस तरह की जिम्मेदारी का पैगाम देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो कि ना उन्होंने शादी किया है ना उनके बच्चे पैदा हुए हैं, वो सिर्फ बच्चियों का इस्तेमाल करके सड़कों पे छोड़ रहे हैं। मैं उनके खिलाफ भी आने वाले टाइम में अगर कोई ऐसा सर्कुलर बने कि उनकी भी जांच की जाए कि जितने वो इस्तीफा दे दे और सीबीआई जांच इस प्रकरण की हो। मैं सुरैया सिद्दीकी महिलाओं के